बच्चे की चीख सुनकर अस्पताल माफ कीजिएगा स्कूल का स्टाफ पहुंचा था और फिर उसके बाद बच्चे को अस्पताल ले जाया गया था। एक ही क्लास में दोनों बच्चे पढ़ते थे, बच्चा कैसे चाकू लेकर पहुंचा, तमाम सवाल हैं। लंच के दौरान बताया गया कि झड़प शुरू हुई और उसके बाद बच्चे ने चाकूबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते जो नाबालिग था वो गंभीर रूप से घायल हुआ, उसे अस्पताल ले जाया गया। अभी स्थिति गंभीर बनी हुई है, वेंटिलेटर पर है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें बताती हैं कि न्याय दिलाने की पूरी कोशिश सरकार की है और यही वजह है कि उदयपुर में जब जांच पड़ताल की गई, देखिए गिरफ्तारी तो इस मामले में पहले ही हो चुकी है, लेकिन जब हर सिरे से जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि यहाँ पर यह अवैध निर्माण बनाया गया है, अवैध जो हिस्सा है उसे गिराने के लिए बुलडोजर पहुँच चुका है। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, हमलावर स्टूडेंट के घर से अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग कार्रवाई शुरू करने से पहले घर का बिजली कनेक्शन भी काटते दिखाई दिया था। ये भी खबरें हैं कि सबसे पहले बिजली का कनेक्शन काटा गया, फिर अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से घर का जो सामान है उसको बाहर निकाला जा रहा है, उसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। इससे पहले घर को खाली कराया जा रहा है, वन विभाग ने सुबह ही खाली करने का नोटिस भी जारी कर दिया था, नोटिस में 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया था। आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन की एक कार्रवाई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले घर खाली कराया जा रहा है, सामान बाहर निकाला जा रहा है और उदयपुर में कन्हैयालाल पार्ट 2 देखने को मिला है। ये इसलिए क्योंकि इस बार एक मुस्लिम छात्र ने अपने हिंदू दोस्त पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए। उदयपुर में मामूली कहासुनी को लेकर हुई चाकूबाजी से पूरा शहर दहल गया, दुकानें बंद हैं, शहर की गलियां सूनी पड़ी हैं और लोगों के मन में अगर कुछ है तो सिर्फ गुस्सा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक दोस्त ने अपने ही दोस्त पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। जो कभी एक साथ क्लास में बैठकर एक दूसरे का टिफिन खाया करते थे, अचानक वो एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए, इस सवाल पर अभी भी सन्नाटा पसरा है। हमारी टीम ने उदयपुर के इस इलाके में पहुंचकर पड़ताल की, जहां इस रूह कपाले वाली वारदात को अंजाम दिया गया। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भटियानी चौहट्टा उदयपुर का वो सरकारी स्कूल है, जिसमें दो पढ़ने वाले छात्र जो थे, जो अलग अलग समुदाय से थे, वो उनका झगड़ा यहाँ पे होता है, उसके बाद में जो झगड़ा चाकूबाजी में तब्दील होता है और चाकूबाजी में तब्दील होने के बाद यहाँ पे चाकूबाजी की जब घटना होती है तो उसके बाद ब्लड आप देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा जो ये रास्ता है वो ब्लड से सना हुआ है। और यहाँ जब तक टीचर्स कुछ समझ पाते तब तक यहाँ से आगे की तरफ आप देखेंगे तो पूरा रास्ता जो है वो खून में सना हुआ है। उदयपुर में छात्रों की चाकूबाजी की घटना के बाद माहौल बिगड़ गया, कुछ लोगों ने सड़क पर उतरकर तोड़फोड़ की, आगजनी शुरू कर दी, जिसके बाद हालात बेकाबू होने लगे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएनएस की धारा 187 लगा दी, इंटरनेट बंद कर दिया, साथ ही इलाके में भारी संख्या में फोर्स के साथ साथ आरएएफ की 5 कंपनियों की तैनाती कर दी, जिससे हालात न बिगड़े। यहाँ पे वो छात्र जो है वो गिरता है, जहाँ ये पुलिस का बैरिकेड लगा हुआ है यहाँ वो गिरता है, गिरने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं पूरा ब्लड जो है वो वहाँ तक आगे तक फैला हुआ है। यहाँ से उसके छात्र के खून बहने से बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर हुई, उसी के चलते पुलिस ने और स्टाफ ने यहाँ से उसको महाराजा भोपाल सिंह जो अस्पताल है वहाँ उसको एडमिट कराया और गंभीर हालत में उसको एडमिट कराया, जहाँ उसकी स्थिति जो है वो स्थिर है और अभी उसको बचाने के प्रयास जो हैं वो पूरे जारी हैं। इधर चाकूबाजी की घटना में घायल छात्र का पूरा परिवार बिलख रहा है। घायल छात्र की मां को ये बात समझ नहीं आ रही कि जिसके लिए वो घर से टिफिन बनाकर भेजती थी, उसी ने उसके बेटे को लहूलुहान कैसे कर दिया। जरा देखिए कैसे ये पूरा परिवार अस्पताल परिसर में बने शिव मंदिर के पास बैठकर बेटे की जिंदगी के लिए दुआ कर रहा है। मेरे ठीक सामने एक मंदिर है भोलेनाथ का और ये अस्पताल परिसर में मंदिर है। माना जाता है कि यहाँ इस भोलेनाथ की कृपा जो है वो उन लोगों के काम आती है, जो लोग यहाँ पे अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं अस्पताल में। लेकिन भोले बाबा के ठीक सामने एक माँ जो है वो बैठी हुई है, एक परिवार बैठा हुआ है, ये वही परिवार है जिसके बच्चे के साथ में चाकूबाजी की घटना हुई और यहाँ पे ये माँ जो है वो पूरी रात से ऐसे ही बैठी है।
घायल छात्र आईसीयू में अपनी जिंदगी से संघर्ष कर रहा है तो परिवार शिव मंदिर के सामने बैठकर दुआ कर रहा है। रिपब्लिक की टीम ने छात्र के परिजनों से बातचीत करके पूरे मामले को समझने की कोशिश की, लेकिन परिवार को भी अभी इस घटना की वजह का पता नहीं है। हम खाली इतना जानते हैं कि बस ये बच्चे बच्चे में लड़ाई होगी और ये चाकू मारा और बच्चे यहाँ लेके आ गए उसको। अब कौन लेके आया वो भी हमको पता नहीं, हमने किसी को नहीं देखा है। हम तो घर पे ही थे और ये माँ दौड़ती हुई किसी के साथ गाड़ी पे बैठ के आई यहाँ पे, और तब पता चला कि बच्चे के साथ ऐसा हादसा हुआ। को कुछ भी नहीं करता है, बहुत सीधा साधा है, लड़ाई भी नहीं करता है, बोल भी नहीं सकता है, वो बोल भी नहीं सकता है, लड़ाई भी नहीं कर सकता है ज्यादा, किसी के सामने भी नहीं बोल सकता है। आप स्कूल वाले से पूछना सर कि स्कूल में चाकू लेके कैसे आया वो लड़का। हाँ, बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो कोई भी बच्चा इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। ये उदयपुर में जो कुछ हुआ उससे हर कोई सन्न है, लेकिन अब हर कोई घटना की वजह जानना चाहता है। पुलिस ने लोगों को शांत करा दिया है, लेकिन वो इस पूरे मामले की जांच करके सब कुछ जनता के सामने कब लाती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। इधर पीड़ित परिवार के साथ पूरा देश घायल बच्चे के लिए दुआएं मांग रहा है। सभी को इंतजार है कि आखिर ये छात्र कब ठीक होकर घर लौटता है। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक दोस्त अपने ही दोस्त का जानी दुश्मन कैसे बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए वापस उकरेंगे 7 मिनट में 70 अहम खबरों का। कोलकाता की घटना को लेकर बहराइच में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। हड़ताल के दौरान धरने पर बैठे हैं डॉक्टर्स। उधर एमपी में बड़वानी में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को लेकर डॉक्टर्स का विरोध, कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। कोलकाता की घटना को लेकर मऊ में प्रदर्शन, डॉक्टर्स ने की हड़ताल, दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग उठाई। यूपी के कुशीनगर में कोलकाता घटना को लेकर डॉक्टर्स की हड़ताल, डॉक्टर की स्ट्राइक से मरीज परेशान। कोलकाता हत्याकांड को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन, डॉक्टर्स ने की नारेबाजी, वी वांट जस्टिस के लगे नारे। कोलकाता कांड को लेकर आज देश भर में प्रदर्शन, अस्पताल की ओपीडी बंद कर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स, 24 घंटे के हड़ताल पर हैं देश भर के डॉक्टर्स। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या पर जयपुर में आईएमए ने की हड़ताल, कहा सरकार की तरफ से नहीं किए गए पुख्ता इंतजाम। आरजी के अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ जारी है, सीबीआई दफ्तर में दूसरे दिन भी संदीप घोष से पूछताछ, कल भी सीबीआई ने 12 घंटे तक सवाल जवाब किए। आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ मामले में कई लोग गिरफ्तार हुए हैं।